श्री राम चंद्र कृपालु भज मन। अब एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 300 ग्राम 25% सॉल्यूशन, 25% बाई मास लिखा हुआ है, मतलब डब्लू बाई डब्लू। 300 ग्राम डब्लू बाई डब्लू सॉल्यूशन, 25% डब्लू बाई डब्लू सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम 40% डब्लू बाई डब्लू सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया गया तो सॉल्यूशन जो है तो ए सॉल्यूशन इज कंटेंड बाई मिक्सिंग, तो इतना ग्राम ये और इतना ग्राम, तो फाइनल उसका परसेंटेज क्या होगा, उस सॉल्यूशन का फाइनल परसेंटेज क्या होगा, ये निकाल लेना हम लोगों को। तो पहले तो देख लेते हैं कि सॉल्यूट पहले वाले में कितना है, तो सॉल्यूट पहले वाले में कितना है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डब्लू वन, वेट ऑफ सॉल्यूट तो 25%, 25 बाई 100 इंटू 300 कितना वेट आ गया इसका 75 ग्राम। दूसरे में देख लेते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, फोर्टी परसेंट, तो 40 बाई 100 इंटू 400 ये 160 ग्राम आ गया दोनों का। और क्वेश्चन में थोड़ा सा छूट गया है, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ मिक्सचर होगा, तो अब जब दोनों को मिला देंगे तो उसमें जो है टोटल वेट सॉल्यूट का कितना हो जाएगा, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूट, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का टोटल वेट कितना हो जाएगा, दोनों वेट जोड़ दीजिए 75 प्लस 1 160 कितना आ जाएगा, ये 40 है इधर 35, 235 हो जाएगा, 235 ग्राम आपका सॉल्यूट है और पूरे सॉल्यूशन का वजन, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टोटल वेट कितना हो जाएगा, पहला सॉल्यूशन 300 ग्राम है और दूसरा सॉल्यूशन 400 ग्राम है, तो ये सॉल्यूशन का वेट हो जाएगा 700 ग्राम। नाउ परसेंटेज आफ्टर मिक्सिंग, मिक्सिंग के बाद परसेंटेज क्या होगा, मिक्सिंग के बाद परसेंटेज क्या होगा, तो मिक्सिंग के बाद टोटल सॉल्यूशन का तो वजन वेट जो है कितना हो जाएगा, 300 प्लस 400 दैट विल बी 700, टोटल सॉल्यूशन का वेट हो जाएगा 700 ग्राम मिक्सिंग के बाद। अब रहा कि मिक्सिंग के बाद उसमें सॉल्यूट कितना होगा, तो सॉल्यूट का वेट इतना हो जाएगा, तो नया परसेंटेज जो होगा वेट ऑफ सॉल्यूट आफ्टर मिक्सिंग, सॉल्यूट सॉल्यूट इन मिक्सचर, सॉल्यूट इन मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल वेट इंटू 100, यही हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 235 बाई 700 इंटू 100, ये हो गया न्यू परसेंटेज, ठीक है, तो इससे परसेंटेज निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दूसरा, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनता है दो चीज़ों के मिलाने से, इतना ग्राम एक सॉल्यूट है इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल का ये फार्मूला होता है, तो यानी कि डब्लू वन कितना हो गया आपका जो सामान मिलाया गया 222.6 ग्राम, ये डब्लू वन हो गया, इथिलीन ग्लाइकॉल का वेट हो गया इतना ग्राम। अब इसका मॉलिकुलर वेट भी जान ही लीजिए, यहीं M1 कितना होगा इथिलीन ग्लाइकॉल का, तो इस सबको ऐड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा टोटल ऐड करने के बाद 62 हो जाएगा, ये 62 हो गया इथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिकुलर वेट। अब
आप वेट कितने में वाटर में मिलाया गया है, 200 ग्राम ऑफ वाटर में मिलाया गया, तो W2 यानी वाटर का वेट कितना हो गया, 200, वाटर का वेट 200 हो गया। तो अब आप अगर आप चाहेंगे कि मोलालिटी निकाल लें तो मोलालिटी आप आसानी से निकाल सकते हो, मोलालिटी जो है आप आसानी से निकाल सकते हो, मोलालिटी इज इक्वल टू W1 बाई M1 टू W2 इंटू 1000। आप सब कुछ पुट कर दो, मोलालिटी निकल गया, W1 आपका कितना दिया है 222.6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलेकुलर वेट M1 कितना है 62 और वाटर का वेट 200 निकल गया। ये जो है मोलालिटी निकल गई। अब कहता है कि अगर डेंसिटी इतनी है तो मोलारिटी क्या होगी, तो आपको तो पता है कि मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, ठीक है। मोलारिटी जो है का फॉर्मूला क्या है, मोलारिटी इज इक्वल टू W1 बाई M1 इंटू यहाँ वॉल्यूम होता है इंटू 1000। अब वॉल्यूम तो आपको दिया नहीं है तो वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे, तो आप सॉल्यूशन के टोटल वेट में डेंसिटी से डिवाइड कर दोगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। सॉल्यूशन का टोटल वेट कितना होगा, ये हुआ सॉल्यूट का वेट और ये हुआ सॉल्वेंट का वेट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेट को जोड़ते हैं तो किसका वेट निकलता है, सॉल्यूशन का वेट, टोटल सॉल्यूशन का वेट निकल जाता है। जब आप सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को ऐड कर देते हो तो टोटल सॉल्यूशन का वेट निकल जाता है। तो आप अब यहाँ रख दो 222.6, यहाँ 1000 और यहाँ डिवाइडेड बाई मोलेकुलर वेट, तो वही 62 रहेगा, यहाँ वॉल्यूम में वेट बाई डेंसिटी हो जाएगी। और तब आप नेक्स्ट स्टेप में जो है मोलारिटी इज इक्वल टू 222.6 इंटू 1000 बाई 62 इंटू W2 कितना हो जाएगा, दोनों का वेट जोड़ के 222.6 प्लस 200 आर डिवाइडेड बाई डेंसिटी 1.07, ये निकल गया मोलारिटी सॉल्यूशन का। इस तरह NCERT का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हुआ, और क्वेश्चन देखते हैं आगे। अब NCERT का क्वेश्चन नंबर 9, ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो पानी नीचे से ज़मीन से निकलता है वो जो है कंटेमिनेटेड वाटर है, कंटेमिनेटेड का मतलब गंदा वाटर है, कोई भी उसमें जो है दूषित जल है, पानी कंटेमिनेटेड है यानी दूषित जल है, यानी उसमें कुछ गंदगी मिली हुई है, यानी कुछ उसमें पॉइजनस चीज़ मिला हुआ है, तो वो पॉइजनस चीज़ जो मिला हुआ है उसमें वो है क्लोरोफॉर्म, जिसको कार्सिनोजेन के नाम से जानते हैं, ठीक। और इसका जो अमाउंट प्रेजेंट है वो 15 ppm, 15 ppm मतलब ppm आपको बताए थे, ppm का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 million में उतना। तो इसका मतलब है कि आपको जो है पूरा W1 कितना हो जाएगा, 15 ग्राम अगर है तो W1 प्लस W2 कितना हो जाएगा, 1,000,000 ग्राम, 10^6 ग्राम, पूरे 1,000,000 ग्राम में 15 ग्राम है, 15 ppm का मतलब है कि 1,000,000 ग्राम में जो है 15 ग्राम प्रेजेंट है। तो इसे कहता है कि आप परसेंटेज बाई मास में एक्सप्रेस करें, तो W/W परसेंट में अगर एक्सप्रेस करना है तो W/W परसेंट में एक्सप्रेस करने के लिए आप W1/W1 प्लस W2 × 100 कर दोगे, तो W1 कितना है 15 और ये W1 प्लस W2 10^6 × 100 कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका 10^15 × 10^-4 परसेंट, यानी कि 0.0015 परसेंट। ये बहुत कम परसेंट है, ये जो है ये 0.001 परसेंट है, इतना परसेंट आ गया आपका परसेंटेज में, जो कि 15 ppm था सॉल्यूशन, वो परसेंटेज में आपका कितना आ गया, 15 ppm परसेंटेज में आ गया 0.0015 ppm, ये चीज़ इतना आ गया। अब नेक्स्ट है आपको डिटरमाइन दी मोलालिटी, मोलालिटी डिटरमाइन करना है कि मोलालिटी क्या होगी इसी क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन की। तो मोलालिटी निकालने के लिए आपको W2 भी चाहिए, तो ये W1 चूँकि बहुत स्मॉल है, सिंस W1 इज वेरी वेरी स्मॉलर देन W2, हेंस W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 10^6, तो W2 इज इक्वल टू 10^6 ले सकते हैं आप। वो बहुत स्मॉल है तो उसे नेगलेक्ट कर देंगे, तो वेरी वेरी स्मॉल को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, तो वेट ऑफ वाटर आप ले लीजिएगा 10^6। अब जो है इसमें आपको निकालना है मोलालिटी, तो मोलालिटी के लिए मोलालिटी इज इक्वल टू W1 बाई M1 W2 इंटू 1000। W1 तो आपको पता है 15, ये 1000 ठीक है। अब ये क्लोरोफॉर्म का मोलिकुलर वेट चाहिए, क्लोरोफॉर्म का मोलिकुलर वेट के लिए CHCl3 में कार्बन जो है, कार्बन का 12 होता है मास, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन 3 इंटू 35.5, तो ये टोटल आप ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 3 × 35.5 मतलब 106.5, और ये 12 ऐड हो जाएगा तो 119.5, इसे पुट कर दो 119.5 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट कितना है 10^6, वेट ऑफ सॉल्वेंट 10^6, ठीक है। और इस तरह से ये निकल गया, ये आपका मोलालिटी निकल गया। हाँ देखिए अब RCM का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, RCM का क्वेश्चन देखते हैं, रामचरितमानस का नहीं, RC मुखर्जी की न्यूमेरिकल बुक है, उस बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के, उनको हम बता रहे हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड वाटर, यूरिया एंड वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है जब यूरिया का वेट 2 ग्राम है और वाटर का वेट इतना ग्राम है। तो आप यूरिया का फॉर्मूला जानते होंगे, यूरिया का फॉर्मूला क्या है, यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2, ठीक। इसका आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट 60 आ जाना चाहिए, तो मॉलिक्यूलर वेट M1 यूरिया का 60, इसका वेट दिया हुआ है 2 ग्राम, वाटर का वेट दिया हुआ है W2 कितना ग्राम, 31.4 ग्राम, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है। तो अब आप चाहो तो निकाल लोगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, X1 इज इक्वल टू N1 बाई N1 प्लस N2, W1 बाई M1 प्लस W2 बाई M2, X1 W1 पुट कर दो आप, W1 2 और मोलिकुलर वेट 60, यहाँ भी 2/60 प्लस 31.4
4/18, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, ये मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकल जाएगा, और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए X2 इज इक्वल टू 1 माइनस X1 होगा, तो अब X1 को इसमें 1 में से घटा देंगे हम लोग तो X2 निकल जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन बन जाएगा, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकल जाता है, निकल गया, ठीक है। आप देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि अंडर व्हाट कंडीशन, और वो कौन सा कंडीशन है, अंडर व्हाट कंडीशन विल द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन नॉट बी इक्वल टू मोलारिटी, मोलालिटी मोलारिटी के बराबर नहीं होगी कौन से कंडीशन में, मोलारिटी मोलालिटी के बराबर नहीं होगी कौन से कंडीशन में, अंडर व्हाट कंडीशन विल द मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन नॉट बी इक्वल टू मोलारिटी, यानी मोलालिटी मोलारिटी के बराबर वैसे कौन से कंडीशन है जिसमें नहीं होगी। तो आपको दोनों का फॉर्मूला देख लेना होगा, मोलालिटी का फॉर्मूला होता है W1/m1, यहाँ होगा W2 × 1000, और मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, देखिए दोनों का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ इतना का डिफरेंस है। तो अगर डिफरेंस वाली चीज़ें ये और ये, यही ना डिफरेंस है, मोलालिटी में W2 है और मोलारिटी में भी है, तो पूछा जा रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन विल द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन नॉट बी इक्वल टू मोलारिटी, मोलालिटी मोलारिटी के बराबर नहीं होगा, तो जब W2 और भी बराबर नहीं होंगे तो ये बराबर नहीं होगा। तो वेन W2 इज नॉट इक्वल टू भी, और इसका वेट का वॉल्यूम से क्या रिलेशन है, तो वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो ये वेट वॉल्यूम के बराबर कब नहीं होगी, कि वेन डेंसिटी इज नॉट इक्वल टू, डेंसिटी इज नॉट इक्वल टू 1, देन वेट इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम, तो यानी जब डेंसिटी 1 नहीं होगी तब वॉल्यूम वेट के बराबर नहीं होगा, तब मोलालिटी और मोलारिटी के बराबर नहीं होगा, देन सो मोलालिटी इज नॉट इक्वल टू, मोलालिटी इज नॉट इक्वल टू मोलारिटी, ऐसा कंडीशन होगा, और इस कंडीशन में ये इक्वल नहीं होगी। RCM का क्वेश्चन नंबर 4, आपको एक स्पेशल फार्मूला पिछले दिन बताए थे और कहे थे कि उस फार्मूला पर जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेंगे, तो उस फार्मूला पर ये न्यूमेरिकल बनेगा, मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 X1 / 1 माइनस X1 × m2, ये फार्मूला बताए थे और बोले थे कि इस फार्मूला पर जो है क्वेश्चन बनाए जाएंगे। आपको ये सॉल्यूशन दिया, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन यानी X1 निकालना है, मोल फ्रैक्शन यानी क्या निकालना है, X1 निकालना है, और क्या दिया है, एक्वस 4m सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वस, एक्वस का मतलब होता है, एक्वस का मतलब होता है सॉल्यूशन वाटर में बना हुआ है, यानी कि सॉल्वेंट आपका वाटर हुआ, यानी M2 कितना हो गया, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, सॉल्वेंट वाटर हुआ तो M2 के जगह हम लोग वाटर का मॉलिक्यूलर वेट रख देंगे, और मोलालिटी दिया हुआ आपका 4m, तो 4 रख देंगे तो निकल जाएगा X1 4000 X1 / 1 माइनस X1 × m2 कितना रखेंगे, एक्वस कहने से मीनिंग निकल जाता है, एक्वस से मीनिंग निकलता है कि सॉल्वेंट क्या चीज़ है, वाटर है, इससे आपका मीनिंग निकलता है। तो अब आप देख लो, ये हो जाएगा, इधर चला गया, 72 माइनस 72 x1
इक्वल टू 1000 x1, तो x1 इज इक्वल टू 72/1072 निकल गया x1, मोल फ्रैक्शन निकल गया। इस तरह से हम लोग m2 18 से मल्टीप्लाई कर दिए और ये 4 से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा और निकल जाएगा इतना। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है RCM में, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन व्हाट मास ऑफ वाटर, वाटर के कितने मास में कितने ग्राम में जो है 25 ग्राम CuSO4 5H2O डाल दिया जाए कि वाटर का जो है में CuSO4 का परसेंटेज 8% आ जाए, तो सबसे पहले तो आपको CuSO4 5H2O का मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा। CuSO4 5H2O इसको आप ऐड करोगे तो Cu 63.5 + 32 + 64 + 5 × 18 ये हो जाएगा 159.5 + 90, तो ये हो जाएगा 249.5 ग्राम मोलेकुलर वेट हो गया। अब इतना में आपका CuSO4 कितना है, पूरे मास में CuSO4 का मास इतना है तो 25 ग्राम में CuSO4 का मास कितना होगा ये आप निकाल लोगे। तो सिंस 249.5 ग्राम CuSO4 5H2O contains इतना ग्राम CuSO4 5H2O contains कितना ग्राम CuSO4, 159.5 ग्राम CuSO4, ठीक है। तो इसलिए 25 ग्राम में कितना होगा, 25 ग्राम में आप निकाल लोगे 159.5 / 249.5 × 25, ये 15.98, जिसको आप लगभग में 16 ग्राम मान सकते हैं। ये 16 ग्राम हो गया CuSO4। अब 8% अचीव करने के लिए आप क्या करोगे, तो 8% अचीव करने के लिए आप जो है परसेंटेज W/W% निकालने के लिए W1 + W2 × 100 होता है। ये परसेंटेज बाई मास आपका दिया हुआ है 8, ये W1 आपका पता है 16 ग्राम CuSO4 का वेट, और यहाँ ये टोटल वेट जो डाला गया है और वाटर का कितना वेट डाला जाएगा, तो टोटल वेट सॉल्यूट का आपको कितना दिया हुआ है 25, और तब ये W2 आप निकाल सकते हो × 100। अब आप W2 निकाल लोगे, ये 8 कैंसिल हो गया, ये 2 हो जाएगा, 25 + W2 इज इक्वल टू 200, तो W2 इज इक्वल टू 175। ये ऑलमोस्ट लगभग होगा, ये लगभग में होगा, ठीक है। अब देखिए RCM में क्वेश्चन नंबर 11, 1 लीटर ऑफ वाटर वाज एडेड टू 500 मिलीलीटर ऑफ 32% HNO3 सॉल्यूशन। वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का कितना है, वॉल्यूम 500 मिलीलीटर, और 1 लीटर वाटर में ऐड किया गया है, तो वाटर का वॉल्यूम कितना हो गया, एक तरह से ये V1, वाटर का वॉल्यूम V2 कितना हो गया 1000 मिलीलीटर, तो दोनों मिला के कितना वॉल्यूम हो गया V1 + V2, यानी कि V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया 500 + 1000 = 1500 हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
अब ये V1 जो 500 जो मिलीलीटर है वो सॉल्यूशन कैसा है, 32% HNO3 है जिसकी डेंसिटी 1.20 है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, तो वेट ऑफ HNO3 सॉल्यूशन, वेट ऑफ HNO3 सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का वेट क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इसका वॉल्यूम है 500 और डेंसिटी है 1.2, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो कितना आ जाएगा, 600 ग्राम आ जाएगा। और इसमें 32% HNO3 है, कितना परसेंट HNO3 है, 32%, तो वेट ऑफ HNO3, वेट ऑफ HNO3 सिर्फ HNO3 का वेट कितना हो गया, तो 32% यानी 32 by 100 × 600, इसका परसेंटेज निकल जाएगा, ये आ जाएगा आपका 192 ग्राम, HNO3 का वेट हो गया इतना। तो अब आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, परसेंटेज W/V, तो ये हो जाएगा W1/V1+V2 × 100, यानी 192 by 1500 × 100 निकल गया इसका परसेंटेज आपका, तो ये परसेंटेज निकल गया इसका, नया परसेंटेज जो है इसका निकल गया। अब देखिए एक फार्मूला 10xD वाला आपको बतलाए थे, देखिए नॉर्मलिटी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये नॉर्मलिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इसमें आपको डेंसिटी 1.31 दिया हुआ है, और परसेंटेज आपको निकालना है, नॉर्मलिटी दिया है, डेंसिटी दिया है, परसेंटेज निकालना है, और सामान का नाम NaOH है, NaOH है, इसमें OH का नंबर कितना है ये बताइए, OH का नंबर एक है, तो नॉर्मलिटी फैक्टर कितना हो गया इसका, 1 हो गया नॉर्मलिटी फैक्टर। इसको 10xD वाले से बना लेते हैं, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 10xD/E1 इक्विवेलेंट वेट, तो नॉर्मलिटी 9.28 इज इक्वल टू 10, एक्स निकालना है, डेंसिटी 1.31, E1 इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला, मोलेकुलर वेट बाई क्या होगा, मोलेकुलर वेट बाई नॉर्मलिटी फैक्टर, ठीक, तो 9.28 कल टू 10 एक्स 1.31, मोलेकुलर वेट इसका कितना 40, नॉर्मलिटी फैक्टर 1, तो ये हो गया 9.28 × 40/13.1, 10 और 1.31 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 13.1 आ जाएगा, इस 10 को और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 13.1, ये नीचे चला जाएगा 13.1, ये 40 मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू x निकल जाएगा, x ही हम लोगों को निकालना था, हम लोगों को परसेंटेज ही निकालना था, तो इस तरह हम लोग परसेंटेज निकाल लिए, परसेंटेज हम लोगों का फाइंड आउट हो गया। इस तरह ये RCM के भी क्वेश्चन हम लोग समाप्त कर लिए हैं, और RCM में एक दो क्वेश्चन हैं जो बहुत ईजी हैं, जिनको आप सॉल्व कर लोगे, जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे 13 तक फर्स्ट पार्ट के, वो हमने बता दिया सॉल्यूशन का, इस तरह सॉल्यूशन के फर्स्ट पार्ट का थ्योरी भी हम लोगों का हो गया, और जो है न्यूमेरिकल भी हो गया। अब हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के ही सेकेंड पार्ट में घुसेंगे, सेकेंड पार्ट में एंट्री लेंगे लेक्चर नंबर 8 से, अभी तक हम लोग फर्स्ट पार्ट समाप्त कर लिए हैं, ठीक है, ओके।